मैं आपको बताऊंगी रंगत बहुत ज्यादा गोरी करने का एक उम्दा नुस्खा। ब्लीच क्रीम को अमूमन रंगत गोरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुर्खो सफेद और बेदाग रंगत हर किसी की आरजू होती है। मार्केट में इस वक्त कई कंपनीज की ब्लीच क्रीम्स अवेलेबल हैं, मगर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप मयारी ब्लीच क्रीम का ही इस्तेमाल करें। सस्ती ब्लीच क्रीम्स को बिल्कुल भी यूज ना करें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लीच क्रीम का रिजल्ट दुगना करने का एक नायाब सीक्रेट। तकरीबन तमाम ब्यूटी पार्लर्स में इसी तरीके से ब्लीच की जाती है। ब्लीच क्रीम में आपने एक बहुत ही उम्दा कुदरती इंग्रेडिएंट मिक्स करना है और फिर रिजल्ट देखें। रंगत गोरी करने का आखिर ब्यूटी पार्लर्स का सीक्रेट है क्या, वो आप आज की इस उम्दा वीडियो में जान लेंगे। इससे पहले कि मैं आपको इस उम्दा नुस्खे के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सकें। और आपने ब्लीच क्रीम लेनी है किसी भी अच्छी कंपनी की एक अदद और खुश्क दूध पाउडर आपने लेना है एक चाय का चम्मच। तरीका इस्तेमाल निहायत आसान है। एक प्लास्टिक या शीशे की प्याले में ब्लीच क्रीम बना लें, जिस तरह ब्लीच बनाई जाती है ब्लीच पाउडर और ब्लीच क्रीम डालकर। इसके बाद इसमें एक चाय का चम्मच मिल्क पाउडर का मिलाएं और प्लास्टिक के स्पून से अच्छी तरह मिक्स करें और फिर ब्रश की मदद से चेहरे और गर्दन पर लगा लें। 15 मिनट बाद सादा पानी से अपनी स्किन धो लें और इसके कुछ घंटों तक साबुन या फेस वॉश बिल्कुल यूज ना करें। खुश्क दूध प्रोटीन से भरपूर इंग्रेडिएंट है जो कि स्किन को एक खास किस्म का निखार अता करता है और ये स्किन को नर्म और मुलायम बनाकर रंगत गोरी भी करता है। ब्लीच क्रीम को आमतौर पर चेहरे के बारीक बालों को गोल्डन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब ये रुआं गोल्डन सा हो जाता है तो चेहरा साफ लगने लगता है, लेकिन मेरे इस आज के टोटके में बताया गया ये सीक्रेट बेहद कामयाब और अनमोल है। जब आप इस कुदरती जूस को ब्लीच क्रीम में मिक्स करके स्किन पर लगाएंगे तो न सिर्फ स्किन का रुआं गोल्डन होगा, साथ ही रंगत भी बहुत गोरी हो जाएगी। अगर यकीन न आए तो आजमा कर देखें। तो गाइस, अगर इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती।